हमारा ये सौभाग्य है कि हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय योगी जी स्वयं नाथ संप्रदाय से आते हैं। कि यदि आपको ऐसे किसी सन्यासी, साधु संत अखाड़े का नाम अगर याद हो जो सरकारी पैसे पे वहां रहता है तो मुझे भी बताने का काम कर दे। आपकी बजट में विकास आपकी इंपॉर्टेंस में है, प्राथमिकता में है, बहुत बढ़िया। और इसलिए क्योंकि लगातार उन्हीं गड्ढों को भरने के लिए आप बजट पे बजट देते चले जा रहे हैं कि आपके आसपास ही बैठे होंगे कोई अपने ही होंगे जो पिछले कार्यकाल में अपने गाल बजाते हुए बोल रहे थे कि 100 दिन में गड्ढे भर देंगे, 100 दिन में गड्ढे भर देंगे। 300 करोड़ का पुल 3 महीने भी नहीं चल पाया। अगर नाम देना था तो मेहुल चौकसी का दे देते, नीरव मोदी का दे देते, गौतम अडानी का दे देते, दुर्गा भाभी का क्यों दिया। अधिष्ठाता महोदय, आज आपने मुझे बजट 2023-24 पर बोलने का अवसर इस सदन में प्रदान किया, इस बाबत मैं आपको धन्यवाद प्रेषित करती हूँ। सरकार इतने गाजे बाजे के साथ और बजट में की हुई तमाम घोषणाओं के साथ आगे बढ़ रही है, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये जरूर सरकार सुनिश्चित कर ले कि पिछले कार्यकाल में आपने बजट के माध्यम से विभिन्न योजनाओं को आवंटित जो सरकारी पैसे में बंटर बात किया है वो ना होने पाए, और अगर हो तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये पहले जरूर सुनिश्चित कर लें। कुंभ के नाम पर लगातार पैसा सरकार दे रही है, लेकिन मेरी विडंबना ये है और मैं ये नहीं समझ पा रही कि वहां पर कौन सा ऐसा सन्यासी है, कौन से ऐसे साधु संत हैं, कौन से ऐसे अखाड़े के पांडाल हैं जो वहां पर सरकारी पैसे पर रहते और खाते हैं। हमारा ये सौभाग्य है कि हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय योगी जी स्वयं नाथ संप्रदाय से आते हैं। मैं नेता सदन से पूछना चाहती हूं कि यदि आपको ऐसे किसी सन्यासी, साधु संत अखाड़े का नाम अगर याद हो जो सरकारी पैसे पे वहां रहता है तो मुझे भी बताने का काम कर दे। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि आप स्वयं जानते हैं और आपसे भली बाती कोई नहीं जानता कि आस्था दिव्यता का प्रतीक होता है, और आप उस दिव्यता को भव्य बनाने के नाम पर अरबों खरबों पैसे देने का काम कर रहे हैं और खुश हो रहे हैं। चलिए दे दिया, मान लेते हैं, लेकिन ये तो बता दीजिए कि आपने जो ये अरबों खरबों पैसा कुंभ के नाम पर दे रहे हैं, हिंदुओं की आस्था के नाम पर दे रहे हैं, इसका बंदर बात ना होने पाए, इसकी लूट ना होने पाए, ये आप कैसे सुनिश्चित करेंगे? आपकी सोच और आपके बजट में विकास सबसे ऊपर है, ये बात तो समझ में आ रही है और बजट को देखने में लगता भी है। शायद इसीलिए बार बार उन्हीं गड्ढों को भरने के लिए, पूरा सुन लीजिए मान्यवर, पूरा सुन लीजिए, तब ताली बजा लीजिएगा, क्योंकि क्योंकि अब तालियां रिवाइंड नहीं होंगी, अब तालियां रिवाइंड नहीं होंगी। आपने लगातार, आपकी बजट में विकास आपकी इंपॉर्टेंस में है, प्राथमिकता में है, बहुत बढ़िया। और इसलिए क्योंकि लगातार उन्हीं गड्ढों को भरने के लिए आप बजट पे बजट देते चले जा रहे हैं, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहती हूं कि आपके आसपास ही बैठे होंगे कोई अपने ही होंगे जो पिछले कार्यकाल में अपने गाल बजाते हुए बोल रहे थे कि 100 दिन में गड्ढे भर देंगे, 100 दिन में गड्ढे भर देंगे, और फिर आज पुनः वही गड्ढों में गड्ढे भरने का काम हो रहा है। तो मेरा प्रश्न नेता सदन से है, और माननीय आपके माध्यम से मैं अपनी बात उन तक पहुंचाना चाहूंगी कि इस प्रश्न का उत्तर जरूर दे दें कि गड्ढों में गड्ढों कर करके जो आप पैसा वहां ढांकने का काम कर रहे हैं उस पर क्या कार्रवाई होगी, इसका जवाब भी दे दीजिए। और मैंने ये प्रश्न इसलिए पूछा क्योंकि मेरे क्षेत्र सिराथू में एक पुल बनता है, शहजादपुर का पुल, लगभग 300 करोड़ रुपए का वो पुल बना और उद्घाटन के 3 महीने बाद उसकी सरिया उखड़ उखड़ के ऊपर आने लगी और नाम दे दिया दुर्गा भाभी सेतु। एक ऐसा महिला का नाम दिया
अपने गौरवशाली योगदान की वजह से इतिहास में अपना नाम दर्ज किया, और वो उनके नाम पे होने के बावजूद 300 करोड़ का पुल 3 महीने भी नहीं चल पाया। अगर नाम देना था तो मेहुल चौकसी का दे देते, नीरव मोदी का दे देते, गौतम अडानी का दे देते, दुर्गा भाभी का क्यों दिया? अगर दुर्गा भाभी का दिया था तो कम से कम उसकी क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता तो इतनी मेंटेन कर लेते कि कम से कम उतने साल तो वो चल जाता जितना पुराना इतिहास दुर्गा भाभी का है। आपकी प्राथमिकता में स्वास्थ्य है और स्वास्थ्य जुड़ी सेवाएं, तभी तो आपने उल्लेखित किया है कि 45 जनपद मेडिकल कॉलेजेस से आच्छादित हैं, 14 निर्माणाधीन हैं और 16 पीपीपी मॉडल पर बनाए जा रहे हैं। लेकिन मान्यवर, मैं ये कहना चाहती हूं कि आप हमेशा आधी अधूरी जानकारी ही क्यों देते हैं? आप किसको धोखा दे रहे हैं, इस प्रदेश की जनता को? मान्यवर, माननीय विधायक जी, पब्लिक है, ये सब समय पूरा 5 मिनट ये सब बहुत सदस्य है, सभी का नाम आ जाए, सभी का। प्रदेश की जनता को सांस लेते जीते जाते काम करते अस्पताल चाहिए, मुर्दा खोखले जर्जर भवन नहीं चाहिए। माननीय विधायक गौरी शंकर वर्मा जी, माननीय विधायक गौरी शंकर वर्मा जी, आप एक विधायक एक अस्पताल बनाइए लेकिन उसकी गुणवत्ता ऐसी हो जहाँ 5 से 10 बार मरीजों की सेवा हो सके और उनको उच्च कोटि की स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि पिछले दिन सदन में माननीय नेता प्रतिपक्ष बहुत उत्तेजित हो गए थे, रौद्र रूप दिखाने का उन्होंने काम किया, तो मैं उनसे कहती हूँ कि आपके रौद्र रूप की गरिमा सम्मान और बढ़ गया होता यदि आपने अपना ये रौद्र रूप और अपनी नाके उन पर तरलने का काम किया होता जो आपके बगल में बैठ करके 100 साल मुझे मुकदमे झेल रहे हैं, हत्या के आरोपी है, जमीन की लूटपाट में शामिल है और आपने लोकतंत्र का मजाक उड़ा करके आपके बगल में किसके सीएम बन कर देते हैं। अगर आपने उनके ऊपर आके तरेर ली होती तो आपका साथ दे गया होता। हम तो हम भी पक्ष में हम मानते हैं आपकी कम संख्या में है लेकिन आपको विश्वास दिलाते हैं उस पक्ष में आने में हमको वक्त नहीं लगेगा। आप सुरक्षा की बात करते हैं और सुरक्षा में माहौल रहते हैं, आप देख लीजिए कि आपका सदन और आपकी सरकार इन विधायकों की सुरक्षा के साथ क्या मजाक कर रही है। माननीय विधायक जी, आपकी सुरक्षा, आपने माननीय विधायक जी बोल दिया, माननीय विधायक गौरी शंकर वर्मा जी का नाम, कल्याण एवं सर्वांगीण विकास के लिए गिफ्ट संकल्प है, सुशासन सुरक्षा जन विकास के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए अपराध एवं भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ साथ शक्ति एवं सद्भाव का वातावरण सुनिश्चित किया गया है।